देखिए फेंसिंग होनी चाहिए, लेकिन जो हमारी ट्रेड है बार्टर ट्रेड है, फेंसिंग से उसको कोई मसला नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? जब हमारे ऑलरेडी गेट होंगे बॉर्डर के लिए, जैसे अफगानिस्तान के साथ ट्रेड हो रही। अब इस गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशियल स्टेज स्टेप लिया है, वो ये कि बार्टर सिस्टम, ठीक है। अब बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जितना भी USA या जितना भी किसी भी कंट्री पर ऑफिशियली बैन होता है ना ट्रेड, ठीक है, उन पर पाबंदियाँ होती हैं, बार्टर सिस्टम की इजाज़त होती है अंडर UNO। अफगानिस्तान हमारा एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा वो हमारे अगेंस्ट गया है, समझ रहे। जैसे ही उधर तालिबान की हुकूमत आई है तो आफ्टर 1 वीक पाकिस्तान में जनाब हमला हो गया बार्डर फेंसिंग को लेकर। वही बात हो गई ना, जैसे US और मेक्सिको का इशू है, ठीक है ना, उधर भी वो आ जाते होते हैं और इलीगली आ जाते हैं। तो मतलब कि आपको जो नहीं है प्रॉपर एक रेगुलेटरी चैनल बनाया जाए इंस्टेड के बॉर्डर वॉल। बॉर्डर वॉल जो नहीं है ज़्यादा एग्रेसिव एक मूव लगता है। रिसेंटली बाबर आजम की जो पिक्चर है वायरल हुई सोशल मीडिया पे कि ही वाज परफॉर्मिंग प्रेयर, ठीक है, वो नमाज अदा कर रहे थे। अगर यहाँ पे कोई बंदा क्रिश्चियन है, हिंदू है, वो सरेआम किसी रोड पे नमाज पढ़ना या अपनी इबादत करना शुरू कर दे, पूजा करना, तो हमारे मुल्क में इसको बिदअत समझा जाता है। हालांकि हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप आज़ाद हैं, जहाँ चाहें आप अपनी इबादत कर सकें। जो बंदा आपके साथ मिल बैठ के काम नहीं करना चाहता, तो आप को फिर जो नहीं है बॉर्डर वॉल इसलिए फिर इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है आपके ख्याल से कौन सा कंट्री, अफगानिस्तान, इंडिया या चाइना, यही मतलब ये है बॉर्डर, या ईरान है, कौन सा कंट्री है जो हमारे साथ मिल बैठ के काम नहीं करना चाहता, जो ये चाहता है कि बॉर्डर वॉल हो? इंडिया मोस्ट प्रोबेबली। आपके मुल्क में हिंदुइज्म में PhD नहीं करवाई जाती, यानी कि एक जो भी मजहब है, ठीक है, अगर तो है। अगर आपने किसी मजहब से नफ की बात करें या इंडिया की बात करें या इवन ईरान की बात करें, हमारे बॉर्डर के ऊपर क्या उनके साथ किस तरीके से तल्लुकात हैं? देखें, सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर आपने किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने हैं तो आपको अपने घर में स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, ठीक है, पोलिटिकल स्टेबिलिटी। हाँ, तो जो पाकिस्तान में पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये सब चीज़ों की काजिज़ है कि जो चीज़ें खराब जा रही हैं, ठीक है। अगर हम इंडिया की अपने मसाय की बात करें तो हम वही एक ट्रेडिशनल वे से चलते आ रहे हैं कि ये हमारा दुश्मन है, हमारा एनिमी है, लेकिन अगर आप उनकी इकोनॉमी देखें इतनी ऊपर जा रही है और 18 मुल्क के अंदर इंडिया की जो करेंसी है वो चल रही है, लेकिन हमारे, हाँ, लेकिन हमारे मुल्क में 75 रुपये का नोट अपने लोग ही नहीं लेते, ठीक है। तो अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपना इंटरनेशनल लेवल पर इमेज ठीक करना है, तो आपको जो अपनी स्ट्रेटजीज और डिप्लोमेसी है, ठीक है, वो बेहतर करनी पड़ेगी। ठीक हो गया, आपने जो बात की है कि वहाँ उनकी करेंसी 18 कंट्रीज़ में यूज़ हो रही है ट्रेड के लिए, हमारे यहाँ पे अपनी करेंसी ही यूज नहीं होती, ठीक तरीके से, इसका मतलब है विजन का, सोच का कहीं ना कहीं फर्क है। अभी उनके इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से किसी ने क्वेश्चन किया कि क्या बॉर्डर वॉल होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, उन्होंने बोला नहीं भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, इससे पॉलिटिकल इमेज खराब होगा इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का। लेकिन हमने तो अफगानिस्तान के साथ फेंसिंग की हुई है और कितनी ज्यादा, कितने 100 किलोमीटर, और उसका फायदा हुआ हमें। देखें, बात फिर वहीं पे आ जाती है कि जब आप इकोनॉमी के बारे में सोचेंगे ना, जब तक आप फाइनेंशियली कोई बंदा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मुल्क भी ऐसे चलते हैं, अगर आपकी इकोनॉमी ठीक होगी ना तो आपके सारे मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यही बात करते रहें हमें यहाँ से थ्रेट है, हमें यहाँ से थ्रेट है, ठीक है, तो जो थ्रेट्स हैं वो दूर कैसे होते हैं? जब आप इंडिपेंडेंट हों, जब आप खुशहाल हों, ठीक है। अफगानिस्तान हमारा एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर हमेशा वो हमारे अगेंस्ट गया है, समझ रहे। जैसे ही उधर तालिबान की हुकूमत आई है तो आफ्टर 1 वीक पाकिस्तान में जनाब हमला हो गया बॉर्डर फेंसिंग को लेकर। अभी 2 दिन पहले हुआ, मैं कहता हूँ ये मैं बड़ी अथेंटिक बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर हफ्ते या हर 10 दिन में एक ना एक अटैक हमारे बॉर्डर पर ज़रूर होता है, जो कि अफगान बॉर्डर के ऊपर होता है, और हमें फेंसिंग का कोई फ़ायदा हुआ जो हमने इतने 100 किलोमीटर की फेंसिंग की? सर देखें, फेंसिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, ये अफगानिस्तान वाली साइड पर भी होना चाहिए, पाकिस्तान में भी होना चाहिए, और हमें ये इस चीज़ से बाहर आके सोचना होगा कि वो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं, ठीक है। देखें, आप एज अ ह्यूमन सोचें, ठीक है, अगर इंडिया के साथ अगर आप देखें हमारी एक हिस्ट्री है, हम उनके साथ सदियों रहे हैं, ठीक है। अगर आप पार्टीशन की बात कर लें तो इस पार्टीशन पे भी कोई खुश नहीं था, ठीक है, मोस्टली लोग खुश नहीं थे जब पार्टीशन हुई। आप हिस्ट्री पढ़ के देख लें, हिस्ट्री वो है नहीं जो पाकिस्तान स्टडी में पढ़ाई जाती है। ये अब 9 मई को जो हमला हुआ है तो सबको पता चल गया जनाब ये कायदे आजम हाउस था, ठीक है। क्या कभी हमने मुतालिया पाकिस्तान में इसको पढ़ा? नहीं। यानी कि जो चीज़ों के हाल हैं वो ना हमारी डिप्लोमेसी में है, ना हमारी फॉरेन पॉलिसी में है, ठीक है। कि हमें एज ए मुस्लिम बन के या एज ए हिंदू बन के, एज ए क्रिश्चियन बन के, नहीं एज ए ह्यूमन बन के। सर एज अ ह्यूमन अगर आप देखें बाहर चले जाएँ, ठीक है, रिसेंटली बाबर आजम की जो पिक्चर है वायरल हुई सोशल मीडिया पर कि ही वाज परफॉर्मिंग प्रेयर, ठीक है, वो नमाज अदा कर रहे थे। अगर यहाँ पर कोई बंदा क्रिश्चियन है, हिंदू है,
वो सरेआम किसी रोड पे नमाज पढ़ना या अपनी इबादत करना शुरू कर दे तो हमारे मुल्क में इसको बिद्दत समझा जाता है। हालांकि हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप आज़ाद हैं, जहाँ चाहें आप अपनी इबादत कर सकते हैं। फिर आपकी बात से आगे बात बढ़ा रहा हूँ, ऐसे तो हम हमेशा ये बात उठाते हैं इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उन्हें मस्जिद में नमाज रोड पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाती ईद की। आप ये बताएं यहाँ पे इस रोड पर कोई हिंदू अपनी पूजा कर सकता है आज़ादी से? सर सबसे पहली बात है, पाकिस्तान में 150 से ज़्यादा मुस्लिम पार्टीज़ हैं, मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज़, उनका आपस में आज तक इत्तेहाद नहीं हो पाया। और ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो एक हो जाते हैं कि जिनका कह लें कि जो पर्पज़ है वो लूट मार है, यानी वो एक हो जाते हैं, लेकिन जो इस्लाम की बेस पे अपनी पार्टी लेकर आए हैं वो एक नहीं हो रहे। तो इसका मतलब है कि रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस्लामिक लॉज है, समझे, कि हमने मज़हब को एक पर्सनल आइडेंटिटी के तौर पे ले लिया है, ठीक है, और हम समझते हैं कि जो हम चाहेंगे वो होगा, बजाय इसके कि जो मज़हब कहता है। आपको सबसे पहले एज अ ह्यूमन होकर सोचना चाहिए। देखे ना वो था ना कि नो रिलीजन इज़ हायर देन ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी से बड़ा कोई मज़हब नहीं है, ठीक है, हर कोई भी, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़म है, ठीक है, इस्लाम है, हर जगह पर ह्यूमैनिटी, ठीक है। अगर आप एक इंसान को वैल्यू नहीं ना दे रहे तो आपके मजहब को कोई भी नहीं देखेगा। मेरे भाई ऐसी डिबेट्स, ऐसी गुफ्तगू हमारी यूनिवर्सिटीज में क्यों नहीं होती, हमारे रोड्स पे, मतलब ये जो हम प्रोग्राम करते हैं, ऐसी गुफ्तगू क्यों नहीं होती? देखें, और जो कोई ऐसी बात करता भी है ना, मैं आपको ऑथेंटिक, क्योंकि हमारा तो काम ये है, ये भाई जानते हैं, इनसे पहले बात हो चुकी है, जो इस तरह की बात करता है उसे एजेंट कह दिया जाता है। मतलब जो इस तरह की ऑथेंटिक बात करता है, जो कहता है कि यार अपनी गलतियों को मान लो और आगे बेहतरी की तरफ जाओ। सर जो सिंध हायर एजुकेशन के जो थे उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी कि आर एजुकेशन सिस्टम हैज़ बीन फेल्ड टू प्रोड्यूस गुड सिटीजन्स एंड गुड स्टूडेंट्स। देखें, अच्छा सिटीजन होने के लिए अच्छा स्टूडेंट होना ज़रूरी है। जो आपने बात की है कि हमारे इंस्टीट्यूट में ये बात क्यों नहीं होती, हमारे इंस्टीट्यूट में बस CGPA के लिए पढ़ाया जाता है, ठीक है, अगर बच्चों को देख लें तो वो भी क्रैमिंग कर रहे हैं, वन नाइट स्टडी करके जब CGPA मार्क्स अच्छे ले लेते हैं, तो जहाँ पे कौमें सिर्फ CGPA के लिए मेहनत करें वो कौमें आगे नहीं जाती, ठीक है। अगर सबसे बड़ी मैं मिसाल देता हूँ, आपके मुल्क में हिंदुइज्म में PhD नहीं करवाई जाती, यानी कि एक जो भी मज़हब है, ठीक है, अगर तो है। अगर आपने किसी मज़हब से नफरत करनी है या आप उससे इख्तलाफ रखते हैं तो ऐट लीस्ट आपको उसके बारे में पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ पे बहुत से लोग हैं, जैसे कि तहरीक लब्बैक की मिसाल देता हूँ, सरगोधा में बैंक मैनेजर को उन्होंने कत्ल शूट करके लब्बैक का नारा लगा दिया। हिंदू था वो, कौन था? वो मुसलमान ही था जो मैनेजर था, ठीक है, बाकी वो श्रीलंकन वाला भी आपने वाकया सारा देख लिया, अच्छी में वाकया पेश आया, इसके अलावा पेशावर में सिखों के साथ जो वाकया पेश आया, लेकिन ऐसे वाकया दूसरे कंट्रीज में भी होते होंगे, बट हमारे यहाँ पे उसकी मेजर काज क्या है वो जानने की जरूरत है। अच्छा लगा आपसे बात करके, लास्ट में बस मुझे ये बताएं कि ये जो हिंदू मुस्लिम वाला कंसेप्ट है, इसे आगे बढ़ के ह्यूमैनिटी वाले कंसेप्ट कब तक पाकिस्तान में आएगा? और सेकेंडली, क्या ये हल है कि हम बॉर्डर वॉल लगा दें, मतलब अगर मेरी इस भाई के साथ नहीं बन रही, इसके आगे पर्दा लगा दो, बस बात ही खत्म कर दो? सर जो आपने बॉर्डर की फेंसिंग की बात की है ना, तो जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बिल्ड की गई थी ना, उसको भी लोग क्रॉस कर जाते, अंदर चले जाते थे, क्यों? वहाँ पे जो गार्ड होते थे उन्होंने उनको एजुकेट नहीं था किया, वो मॉरली करप्ट थे, ठीक है, हमें जो मॉरल करेक्टर बिल्डिंग करनी पड़ेगी। और ये जर्मनी में वाल हुई, क्या उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ? सर मैं कह रहा हूँ ओनली एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, ये ओनली एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी इज द सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। जबरदस्त, अच्छा लगा। आप बस एक दो मिनट आपके चाहिए, मुझे बताएं ये वाल कोई हल है, मतलब बॉर्डर पे फेंसिंग करना या बॉर्डर वॉल कोई हल है दो कंट्रीज के दरमियान रिलेशन बेहतर करने में? देखिए, सबसे पहले जो बॉर्डर वॉल की बात है ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारा अच्छा, इस वक्त जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है ना वो अफगानिस्तान के साथ है, कोई तकरीबन 2630 किलोमीटर है, ठीक है। अगर आप जैसे ये बात कर रहे थे कि सब लोगों को एजुकेट किया जाए, नो डाउट लोगों को एजुकेट किया जाए, लेकिन फिर भी उससे मसला हल नहीं होगा। देखिए, आपकी वॉल फेंसिंग ज़रूरी है, स्पेशल गेट हो जिधर से हमारी ट्रेड हो, ठीक है, ताकि देखिए अगर हम उधर फेंसिंग नहीं करते तो फिर पाकिस्तान के अंदर भी अफगानिस्तान में भी जो है वो अनार्की फैलेगी, ठीक है, उसके बाद टेररिज्म के चांसेस ज़्यादा होंगे, ये एक बहुत बड़ा मसला। आपने फेंसिंग में और बॉर्डर वॉल में कोई डिफरेंस है कि नहीं? नहीं, देखिए डिफरेंस नहीं है, फेंसिंग इस वजह से बेसिकली की जाती है कि जो हमारा अफगानिस्तान के साथ अगर आप जियोग्राफिकली देखें ना, उधर पहाड़ और एरिया इस तरह क्या है, उधर जितने शिद्दत पसंद है, दहशतगर्द है, उनके बकायदा उधर पनाहगाहें हैं, ठीक है। अगर हम फेंसिंग नहीं करते, उधर अपनी फौज नहीं बैठाते, तो फिर हालात खराब होंगे। जैसे आपने देखा होगा 2008 से 13 के दरमियान कितने बम धमाके पाकिस्तान में हो गए। तो अभी जो हमने फेंसिंग की है, तकरीबन 2200 किलोमीटर पे फेंसिंग
फेंसिंग की है, क्या वो फेंसिंग ही उठा के नहीं ले जाते, क्या वो बाड़ ही नहीं पूरी उठा के ले जाते? नहीं देख, कुछ कुछ जगहों पर इस तरह के वाकयात होते हैं, लेकिन फेंसिंग की वजह से अब पाकिस्तान में अमन कायम हुआ है, कंट्रोल हुआ है, नो डाउट 100% कहीं भी नहीं होता, 2-4-5% मामला रह जाते हैं, लेकिन अब 80% तक कंट्रोल है। आपने देखा होगा कि बड़ी देर बाद ये 1-2-3-4 बम ब्लास्ट हुए। आपको ऑथेंटिक बात करता हूँ, हर 10 दिन में कहीं ना कहीं अफगानिस्तान बॉर्डर पे, चाहे वो अफगानिस्तान करता है या नहीं, एक लैदा बॉर्डर है, लेकिन अफगानिस्तान बॉर्डर पे अटैक होता है हमारी तरफ या जो भी है, क्या इंडिया के साथ भी फिर हम ये ऐसे फेंसिंग कर ले? देखिए फेंसिंग होनी चाहिए, लेकिन जो हमारी ट्रेड है, बार्टर ट्रेड है, फेंसिंग से उसको कोई मसला नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? जब हमारे ऑलरेडी गेट होंगे बॉर्डर के लिए, जैसे अफगानिस्तान के साथ ट्रेड हो रही, अब इस गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशियल स्टेप लिया है, वो ये कि बार्टर सिस्टम, ठीक है। अब बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जितना भी यूएसए या जितना भी किसी भी कंट्री पर ऑफिशियली बैन होता है ना ट्रेड, ठीक है, उन पर पाबंदियां होती हैं, बार्टर सिस्टम की इजाजत होती है अंडर यूएनओ भी, ठीक है। तो इस वजह से इस सिस्टम के तहत पाकिस्तान के इकोनॉमिकली हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। अच्छी बात है, मुस्लिम लोगों की मुस्लिम ओपिनियन होती है, आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, बहुत शुक्रिया भाई। ओके थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फहद मकसूद। आपका नाम? अफराज अशर। क्या करते हैं आप? मैं जीसी यूनिवर्सिटी में अभी डिग्री कंप्लीट की है। कौन सी डिग्री कंप्लीट की है? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की, अच्छा। आपके फील्ड के हवाले से पहले एक सवाल करता हूँ जनरल सा, उसके बाद फिर टॉपिक पे आऊँगा। ये बताएं पाकिस्तान में कंप्यूटर साइंस की डिग्री करने के बाद क्या स्कोप नज़र आ रहा है? कुछ नहीं। नहीं मतलब आपने पूरी डिग्री कर ली और आप कह रहे हैं कुछ नहीं? वाकई में अभी जो है ना, ये सिंपल एक सिस्टम, सोसाइटी, इन्वायरमेंट, पेरेंट्स या फिर खुद का एक डिसीजन ले लिया उसकी वजह से कर ली, लेकिन उसके अलावा नहीं, स्कोप नहीं नज़र आ रहा। नहीं। आप क्या करते हैं भाई? मैं खुद 8th सेमेस्टर के साथ ही हूँ, मेरी भी डिग्री कम्प्लीट हुई सीएस की। जैसे इन्होंने कहा कि स्कोप नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। सीएस का स्कोप बहुत है, वो होता है ना कि बंदा मेंटली जितना रेडी होता है उसके लिए, तो उसके हिसाब से वो देखता है जो देखना चाहता है। ऐसे ही है। तो सीएस का स्कोप बहुत है, खासतौर पर हमारी कंट्री इंडिया की तरह और बांग्लादेश की तरह सबसे बड़ी जो नहीं है आईटी एक्सपोर्टर है, लेकिन डेफसिंग सबसे बड़ी कंपनी है इस टाइम, ऑलमोस्ट 2 बिलियन उनकी। फ्रीलांसर बहुत ज्यादा है। हाँ, फ्रीलांसर लेते हैं, उसके बाद जो आईटी कंपनी है डेफसिंग, वो ऑलमोस्ट 1300 एम्प्लॉयज हैं और उनकी 2 बिलियन की एक्सपोर्ट है, तो स्कोप बहुत है, आपको ढूंढें, चेक करें। ऐसे ही है, मैं भी आप इनकी बात से किसी हद तक एग्री करता हूँ। देखें स्कोप हमने खुद बनाना होता है किसी भी फील्ड में, किसी भी डिग्री में। मुझे ये बताएं जिस पे वीडियो जिस टॉपिक पे हम रिकॉर्ड करें वो ये है कि रिलेशंस बेहतर अगर करें अपने नेबर्स के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, वो बेहतर है, या फिर आप ये कर दें कि बॉर्डर वॉल लगा दें, फेंसिंग कर दें, वो बेहतर है, ताकि जैसे कि हमने अफगानिस्तान के साथ किया? बॉर्डर वॉल के हिसाब से मुझे लगता है वो चीज़ तो चलनी चलनी है, वो चीज़ नहीं खत्म होनी। ठीक है, कहीं भी आप देख लो, उनको जगह और ज़्यादा चाहिए, रिसोर्सेज और चाहिए, वो चीज़ नहीं खत्म होनी, मेरा ये ख्याल है। बाकी रिलेशनशिप वो जैसे भी हैं वो बेहतर कर सकते हैं, नहीं भी हो सकते, आपके जो है वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वो चीज़ बढ़ सकती है, हालात अच्छे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये चीज़ नहीं खत्म होनी, मेरा ख्याल है। बॉर्डर वॉल ज़रूरी है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि हमें रिलेशन बेहतर करने चाहिए या बॉर्डर वॉल या फेंसिंग ये सोल्यूशन है किसी भी? इसलिए सबसे पहला सोल्यूशन आप जो डिप्लोमेटिकली बैठ के जो नहीं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्या मसले हैं, ऑब्वियसली गलतियां दोनों साइड की हैं, दोनों को अपनी जो नहीं है गलतियों को ऑन करना चाहिए और देखना चाहिए कि बेस्ट कौन सा सोल्यूशन है फॉरवर्ड। बट अब वही वजह से मैंने आपको पहले बात की कि मतलब कि जो बंदा आपके साथ मिल बैठ के काम नहीं करना चाहता, तो आप को फिर जो नहीं है बॉर्डर वॉल इसलिए फिर इम्पोर्टेंट है। आपके ख्याल से कौन सा कंट्री, अफगानिस्तान, इंडिया या चाइना, ये ही मतलब ये बॉर्डर या ईरान है, कौन सा कंट्री है जो हमारे साथ मिल बैठ के काम नहीं करना चाहता, जो ये चाहता है कि बॉर्डर वॉल हो? इंडिया मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, देखें अब वो लोगों की बात नहीं है, वो पॉलिटिकल जो जो एजेंडा है उनकी है, जो पॉलिटिक्स की है, लोगों के हमारी तरह नॉर्मल लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपने बोला कि बॉर्डर वॉल, इंडिया चाहता है कि बॉर्डर वॉल हो, लेकिन अभी कल किसी जर्नलिस्ट ने उनके फॉरेन मिनिस्टर से पूछा कि क्या पाकिस्तान और चाइना के पे आपके साथ बॉर्डर वॉल करेंगे ताकि आप जो है इलीगल स्मगलिंग देख लें या इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं इन्फिल्ट्रेशन देख लें वो रोक सकें, तो उन्होंने बोला कि इससे इंटरनेशनल लेवल पर एक नेगेटिव इमेज जाएगा, पॉलिटिकल वे में एक नेगेटिव इमेज जाएगा, यानी कि वो तो ये पॉलिटिकल जो उनके पॉलिटिशियंस हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हम नहीं बॉर्डर वॉल चाहते। देखिए हमारी जिस तरह की राइवलरी है ना, हम लोगों में जितना बैड ब्लड है हम कुछ भी करेंगे और पब्लिक मतलब कि इंटरनेशनल इमेज की नहीं देखेंगे। इंटर जैसे पहले मतलब कोविड से पहले चल नहीं रहा था कि वॉर होने का चांसेस थे, ठीक है, उसका इतना बड़ा मतलब कि इंटरनेशनल मीडिया में बात चल रही थी, बट किसी को भी फर्क पड़ा ना, इंडिया को फर्क पड़ा था ना पाकिस्तान को फर्क पड़ा, बहुत फर रेडी।
ठीक है ना। सो इन दोनों की जितनी मतलब के रिलेशनशिप है ना, इन दोनों को फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में, ठीक है। नहीं लोग क्या सोचते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा क्या नुकसान हो रहा है। अब हम फेंसिंग करते हैं, तकरीबन हमारा 1500 किलोमीटर इंडिया 1600 किलोमीटर इंडिया के साथ बॉर्डर लगता है, अफगानिस्तान के साथ इससे भी ज़्यादा लगता है, ठीक है। हमने 2200 किलोमीटर की फेंसिंग की, वो अफगान आए दिन हम खबर सुनते हैं वो फिर वो फेंसिंग ही उखाड़ के ले जाते हैं, हमें क्या फ़ायदा हुआ, क्या स्मगलिंग रुक गई। वही बात हो गई ना, जैसे यूएस और मेक्सिको का इशू है, ठीक है ना, उधर भी वो आ जाते होते हैं और इलीगली आ जाते हैं। तो मतलब कि आपको जो नहीं है प्रॉपर एक रेगुलेटरी चैनल बनाया जाए इंस्टेड के बॉर्डर वॉल जो नहीं है ज्यादा एग्रेसिव एक मूव लगता है। हाँ, बिल्कुल, वो तो ऐसा लगता है कि आपने इनके साथ रिलेशन ही खत्म कर दिया, कि ऐसा गेस्चर जाता है। देखिए चाइना ने ग्रेट वॉल बनाई, ठीक है, मंगोलियों से बचने के लिए कि वो आते थे लूट के चले जाते थे, उसका कोई ऐसा फायदा। इसके अलावा वॉल ऑफ बर्लिन की अगर बर्लिन की बात करें जो कि जर्मनी में बनाई गई, वो भी खत्म हो गई, लेकिन फायदा नहीं हुआ उस तरीके से। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे इतने पैसे लगाते हैं फिर उसके बाद फायदा भी नहीं होता, जैसे अफगानिस्तान के साथ हमने फेंसिंग की, फायदा तो ऐसा नहीं नजर आया। स्मगलिंग अभी भी हो रही है या नहीं हो रही है, तो फिर फायदा इससे बेहतर ये नहीं कि हम डिप्लोमेटिक वे में रिलेशन बेहतर करें। हो सकता है, लेकिन क्या है कि हमारे जैसे अपनी गवर्नमेंट के वो हालात अच्छे नहीं है। जो भी ऊपर चढ़ता है जिसने ईमानदारी के साथ कोई काम करना है वो चीज़, उसको फिर ना पॉलिटिकल सिस्टम करके बीच में घुसा देना, कोई केस लगा देना, वो सिस्टम जो भी चल रहा है अभी उतार देना उसको पॉलिटिकल हिसाब से, वो चीज़ हमने जो जिसको भी वोट किया ना, ठीक है, उन्होंने ऐसे ही किया। ऐसे ही भाई, आपने ये बोला कि वहाँ के पॉलिटिशियन मतलब पब्लिक हमारे जैसी है लेकिन पॉलिटिशियन ऐसा चाहते हैं या ऐसा नहीं चाहते, आपको नहीं लगता कि ज़्यादा जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं ज़्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट्स हमारी साइड से जाती हैं, एग्रेसिव नेगेटिव नहीं एग्रेसिव स्टेटमेंट अगर कहें वो हमारी साइड से जाती हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे ऐसे कर देंगे, हमारे पॉलिटिशियन ज़्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं या एग्रेसिव स्टेटमेंट देते हैं? अब मैंने इन जनरल इतनी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स नहीं सुनी, मे भी कहीं हो मैंने ना सुनी हो, बट वही बात मैं लोगों की बात करता हूँ कि लोग जितनी मतलब कि एग्रेसिव देते हैं वो एट द एंड फिर एजुकेशन में बात आ जाती है कि मतलब कि आप उनको मतलब कि क्या सिखा रहे हैं घर वाले, ठीक है ना, घर वाले या मीडिया या अदारे आपको आपका माइंड सेट कैसा बना रहे हैं। मीडिया तो हमारा मतलब कि बहुत नेगेटिव, वो उन्होंने एक चीज़ को पकड़ लेते हैं उस चीज़ पर वो करते रहते हैं, मतलब कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट पढ़ लेंगे उस पर ही चलते रहेंगे। कोई चैनल जो पॉजिटिव उसकी हैं तो वो पॉजिटिव, जैसे आपको पता है कि हमारी पॉलिटिक्स में कैसे चलता है, कुछ पार्टीज हैं जो पीडीए सपोर्टर हैं वो पीडीआई सही हो गलत हो उसको ही करेंगे, लेकिन उसमें हमें ये देखना है, मुझे और आपको ये देखना है कि भाई लेट्स सपोज ये एक पॉजिटिव खबर चला रहा है क्या ये झूठी खबर तो नहीं चला रहा, लेट्स सपोज ये नेगेटिव खबर चला रहा है क्या ये नेगेटिव चलाओ या पॉजिटिव चलाओ झूठी खबर ना चलाओ, मेन इशू तो ये है। ये आपकी बिल्कुल मैं बात से एग्री करता हूँ, बट वही बात है ना कि हमारे लोगों को ये भी नहीं पता कि एनालाइज नहीं पता कि कैसे खबर को करना है, क्योंकि हम जो नहीं है अपने न्यूज़ चैनल्स पे ब्लाइंडली बिलीव करते हैं, हम इंटरनेशनल फोरम्स को नहीं देखते कि पता चले कि यार जो ये बात कर रहे हैं वो उधर से मैच कर रही है, क्योंकि हम अपनी इमेज देखें इंटरनेशनल फोरम्स में वो बहुत बदतर है। बहुत उसकी वजह क्या है मतलब, और इमेज है क्या हमारी इंटरनेशनल लेवल पाकिस्तान की, अगर बात करें पाकिस्तान की बात करें जो भी हम एक्शन लेते हैं जो भी हम चीज़ करते हैं उसका वो नेगेटिव एस्पेक्ट ही जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं वो कहते हैं कि एग्रेसिव नेशन है, ठीक है ना, कि मतलब कि ऑलवेज रेडी फॉर फाइट, ठीक है ना। अब अफगानिस्तान जब प्रीवियसली जब मसला था टेररिज्म का उन्होंने कहा शेल्टर दिया उनको अफगानियों को, ठीक है ना, तो हमारे हर एक मूव का कोई ना कोई गलत मतलब कि नेगेटिव एस्पेक्ट है, हम उसको नहीं देखते। हम एज अ मतलब जो मतलब लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि अपर अथॉरिटीज़ क्या क्या चीज़ें कर रही हैं। ये चीज़ है मतलब ये बड़ा गहरा पॉइंट इन्होंने रेज किया कि हम जो नॉर्मल लोग हैं आम आवाम है उन्हें नहीं पता कि इंटरनेशनल लेवल पर कैसे हमें देखा जा रहा है, और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो हमारे लीडर हैं वो किस तरह के डिसीजन ले रहे हैं, उनका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या पड़ रहा है, हमें ये चीज़ें कब पता चलेंगी कैसे पता चलेंगी, और जो दुनिया में चीज़ें हो रही हैं उनके साथ उस लेवल पे हम कब सोच पाएंगे। जैसे आजकल चेंज आ रहा है कि जैसे आर्मी वर रिलेटेड जो इश्यूज चल रहे थे, लेकिन लोगों को पता चला कि आर्मी मतलब के जो सोल्जर्स हैं वो बेचारे मतलब के उधर से आवाज आई है ये तो क्या है वीगो डाला आ जाएगा मुझे आप करती जाएगा पिक्सलेट। लेकिन हमने किसी के अगेंस्ट बात करनी नहीं, हम एक बड़ी जो उनसे कह लें एकेडमिक गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं इन जनरल बात करूं कि जैसे हमें पता चलना स्टार्ट हुआ लोगों को इन जनरल पता चलने कि मतलब कि हमारी जो मतलब के आर्मी है वो क्या क्या करती है जो हमें पता नहीं था, वो हमें नई नई चीज़ें पता चली, ठीक है ना। बाहर की सारी दुनिया ये कहती रही है, हम लोग यकीन नहीं करते थे बाहर से मतलब कि इंटरनेशनल लोग। जब दूसरे कोई कहता था लाइक अमेरिका से कोई स्टेटमेंट आती थी, इवन इंडिया अक्सर कहता नजर आता था, हम ये कहते थे ये देखो पाक फौज के बारे में क्या बोला जा रहा है, ये देखो हमारे अदारों को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन अब ये चीज़ें तो हमें आइडिया हो गया, हमें पता चल गया कि वो कुछ हद तक सही कह रहे थे, बहुत मतलब बहुत हद तक सही कह रहे थे, बट हम मतलब के पेट्रोइट्स हैं, ठीक है ना,
तो हम ऑब्वियसली बिलीव करेंगे उसमें, ठीक है ना। अब अपर अथॉरिटीज़ जो हैं आर्मी की, वो कुछ ऐसी चीज़ करें, उसका ये मतलब नहीं कि जो नीचे जो सोल्जर जो बॉर्डर पे खड़ा है उस बेचारे को गालियां दें हम, बिल्कुल ठीक है, वो नहीं गालियां ही अदारे को गालियां दें, क्योंकि अदारे अदारा है तो हम हैं, लेकिन जो भी चाहे मैं हूँ चाहे आप है या किसी अदारे में कोई अगर वो गलत करेगा थोड़ा बहुत बेहतर करने